गुड मॉर्निंग ऑल द डिवाइन मास्टर। पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। बी ए योगी योगी भव आत्मज्ञानी बनो का आज 179वां दिन है, तो चलिए आज की ध्यान साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नारा जी को। संगीता मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सुमित। नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल मास्टर्स। ब्रह्म मुहूर्त में देखो, चारों तरफ 3 से 6 का जो समय है वो अमृत वेला का समय है। तो चलिए फटाफट बैठ जाते हैं आराम से। जब तक हमिंग सॉन्ग करेंगे कमर सीधी रहेगी, उसके बाद आप आराम से बैठ के गहरे ध्यान में जा सकते हैं। तो हाथ में हाथ रखिए, आंखों को बंद करिए, पैरों को क्रॉस करिए, सहज सुख आसन में आ जाइए। पूरे तरीके से सहज सुख में आराम से हम हमिंग साउंड करेंगे। उससे पहले अपनी बॉडी को एक बार देखते हैं, अपने सहस्रार से लेकर मूलाधार तक धीरे धीरे पूरी बॉडी को देखें, चेहरे को, पूरे चेहरे को देखिए, गर्दन के पास आ जाइए, छाती, कमर, नाभि, कमर का नीचे का हिस्सा, पैर की उंगलियां, हाथ की उंगलियों तक मैं स्थिर हो रहा हूं। शांत हो रहा मैं इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए आया हूं। अपने चारों तरफ देखिए कि इस ब्रह्म मुहूर्त में पूरी धरती के ऊपर ब्रह्मांड की ऊर्जा किस प्रकार से प्रसारित हुई हुई है। पूरी धरती को जब आप देखेंगे दिन कहीं रात, किसी किसी देश में अलग अलग वातावरण, और ये ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे चारों अपने हमारे कमरे में, कमरे से बाहर, और इस प्रकार से पूरी धरती पर ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को मैं भीतर ही भीतर अपनी आंखों से देख रहा हूं। बाहर से अंदर मेरा प्राण, ये शक्ति बनकर भीतर जा रहा और भीतर से बाहर आ रहा मेरा प्राण सहस्रार से होता हुआ मूलाधार तक, और मूलाधार से होता हुआ सहस्रार तक आ रहा है और जा रहा है। जैसे जैसे हम सांस लेते जाएंगे, वैसे वैसे हम पूरे शरीर को तरंगित करते जाएंगे, पूरे
पूरे शरीर में चेतना को भरते जाएंगे। जैसे ही सांस भर रहे हैं और क्रिस्टल बाउल के साथ सांस को छोड़ेंगे तो आराम से साउंड, हमिंग की साउंड अपने आप ही भीतर ही भीतर पैदा होते हुए वो मूलाधार से सहस्रार तक पहुंच जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमिंग साउंड। सांस को भरिए और छोड़ते हुए हमें की साउंड करिए। रुकना नहीं है, लगातार करते रहिए आराम आराम से धीरे धीरे हमिंग की साउंड। हमिंग सॉन्ग से हमारा पूरा शरीर, उसके भीतर आकाश तत्व अपने आप विस्तार करने लगता है और हमारी हल्का होने की शक्ति बढ़ने लगती है। नाइट्रिक ऑक्साइड गैस स्वतः ही साइनेसिस में बनने लगती है। इन तरंगों को भीतरी भीतर देखिए, शांत होकर अपने मूलाधार चक्र पर
स्वादिष्ठाना नाभि तक देखते जाइए शांत भाव से। नाभि से विशुद्धि तक और विशुद्धि से सहस्रार तक और सहस्रार से अपने चारों तरफ ये तरंगे धीरे धीरे संगीत की तरंगों के साथ अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए और गहरे ध्यान में अपने सूक्ष्म शरीरों के साथ यात्रा करिए।
धीरे धीरे हम अपने गहरे ध्यान से अपने सांसों के साथ फिर से उसको आते हुए और जाते हुए देख रहे हैं। अपने आप को इस वर्तमान क्षण में आपके भीतर जो ठहराव है, रोशनी है, जागरूकता है, उसके साथ साथ अपने चारों तरफ देखें। देखते जाइए अपने चारों तरफ, भीतर ही भीतर, अपने उस दिव्य चक्षु से पूरी धरती को आप देख सकते हैं। पूरी धरती किस प्रकार से अपना काम करती है, कैसे सृष्टि क्रम चलता है, दूर से अगर आप धरती को देख रहे हैं तो देखिए कि वो हमेशा चलायमान रहती है, चलती रहती है, अपना चक्र पूरा करती है। उसी प्रकार से हम भी इस धरती पर अनुभवों की यात्रा करने के लिए आते हैं। और फिर से अपने आदि प्लेन पर लौट जाते हैं। ग्रैटिट्यूड का भाव, नतमस्तक होना, थैंकफुल सभी मास्टर्स के प्रति और सभी इन पंच तत्वों के प्रति जो पूरी धरती पर फैले हुए हैं। दस, नौ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। आराम से बिल्कुल अपने हाथों की ऊर्जा जो इकट्ठी हुई है हाथों में, उसको अपने चेहरे पर रखिए, रखे रखिए थोड़ी देर। धीरे धीरे अपने हाथों से ऊर्जा अपने चेहरे को देते हुए अपनी आंखें खोल लीजिए। आराम से अपनी सुविधा के अनुसार हल्के हाथों से आप अपने ताली बजाए धीरे धीरे, ताकि पूरी बॉडी में एक बार सेंसेशन फील हो, ताली की आवाज आपके कानों को सुनाई दे। थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। तो अच्छा था ना ध्यान? बहुत अच्छा था।
और आज का हमारा जो श्लोक है तीसरे अध्याय का, वो भी इसी से मिलता जुलता सा है। तो तीसरे अध्याय का श्लोक है, छठा श्लोक है, छठा और पांचवा। तो अभी कहानी ये चल रही थी कि भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते आ रहे हैं, छोटी छोटी बातें बताते आ रहे हैं दूसरे अध्याय में कि योगक्षेम क्या है और तुम किस प्रकार से समभाव से दूसरों को देखना है, अपने कर्मों को तुम्हें कैसे करना है। ये सारी बात छोटी छोटी बातों से, शब्दों से वो बताते आ रहे हैं। अब तीसरे अध्याय में प्रकृति की बात की गई है और प्रकृति की डेफिनेशन क्या है, प्रकृति किसको कहते हैं। तो जैसे पिछले अध्याय में बताया कि जब हम तमस में होते हैं, रजस में होते हैं, सत्व में होते हैं और शुद्ध सात्विक होते हैं और निर्गुण होते हैं, तो पांच तरह की बात बताई गई थी दूसरे अध्याय में। अब यहाँ पर एक बात बताई है कि बहिर कर्म और अंतर्गुण, बहुत इम्पोर्टेंट ये श्लोक है कि बहिर कर्म और अंतर्गुण, जो हम बाहर से कर्म करते हैं वो कहाँ से होता है, अंदर के गुणों से होता है। और अंदर के गुणों के कारण बहिर कर्म होते हैं और बहिर कर्म के कारण ही हम अंतर्गुण धारण करते हैं, यानी कि संस्कार कैसे बनते हैं ये बात बताई गई है कि हम किस प्रकार से संस्कारित होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो प्रकृति है, प्रकृति किसको कहते हैं कि जो सत्व और रज और तम, ये तीन गुण हैं, ये स्वभाव जन्य हमारे शरीर में रहते हैं और ये तीनों जो गुण हैं इसी से मिलके जो हमारा स्वभाव बनता है इसी को प्रकृति बोलते हैं। इन तीनों गुणों का समाहार ही प्रकृति है। और अर्जुन, तुम्हें ये बात समझनी है युद्ध करने से पहले कि इस प्रकृति को, सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों से मिलकर जो हम बने हैं इसी व्यवस्था को प्रकृति कहते हैं। अब ये बात हम कई बार करते भी हैं कि तुम कहाँ रह रहे हो, तो उन्होंने एक शब्द दिया कर्म और कर्म फल के सागर में। कर्म और कर्म फल के इस चारों तरफ जो कर्म और कर्म फल का सागर है, हम उसी में रह रहे हैं। उसी में रहते हुए तुम कौन हो, तुम एक लहर मात्र हो। तुम कौन हो, एक लहर मात्र हो। लहर जैसे उठती है फिर आगे बढ़ती है फिर आगे चलती रहती है, इसी प्रकार से आपके स्वभाव में भी परिवर्तन होता रहता है सत्व रज और तमस प्रकृति के अनुसार। वो अब बताते हैं और थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं कि जब हम सत्व रज और तमस प्रकृति के अनुसार अपने बहिर कर्म और अंतर गुणों को करते हैं तो आपके मन में कामनाएं पैदा होती हैं, और जब कामनाएं पैदा होती हैं तो हम नए नए कर्मों को करते हैं। नए नए कर्मों को करते हैं तो कर्म रच डालते हैं और इस कर्म और कर्म फल सागर में जन्म परंपरा के अनुसार आते रहते हैं और जाते रहते हैं, जिस प्रकार से लहर उठती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। तो वो इतनी, देखो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि हम इस बात को अगर आंख बंद करके सोचें कि हम कहाँ रह रहे हैं कि कर्म और कर्म फल के सागर में, अपने परिवार के साथ हम कर्म सिद्धांत की वजह से आए, इस देश में आए, इस धरती पर आए, इस गांव में आए और हम निरंतर काम करते जा रहे हैं, तो वो कर्म और कर्म फल के सागर की बात यहाँ पर की है। वो कहते हैं कि कभी भी मनुष्य बिना कर्म के नहीं रह सकता। वो जब सोता है तो सपनों में भी कर्म करता रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, बिना कर्म के हम नहीं रह सकते, ये स्वभाव है। तो अगर हम बिना कर्म के नहीं रह सकते, हम विवश हैं, हम
कर्म शून्य नहीं हो सकते, ये असंभव है। इसीलिए हमें सत्व रज और तमस गुणों को ध्यान में रखते हुए, अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए ही अपने अंतर गुण और बहिर कर्मों के ऊपर जागरूक अवस्था में अपना जीवन बिताना चाहिए। ये श्लोक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि आपके जो संस्कार हैं वो कैसे बनते हैं, कि जब आप बहिर कर्म करते हो तो अंतर्गुण बनने लगते हैं, और अंतर्गुणों से, जिन संस्कारों से आपकी प्रकृति के रूप में जब आप आए हो तो उसी के अनुसार आप बिहेवियर करते हो, बाहर का व्यवहार करते हो। अब उसको और आगे अगले श्लोक में उससे भी आगे डिटेल बता रहे हैं। अब कर्मों की बात सारी शुरू हो गई, कर्म योगी बनने का पाठ शुरू हो गया। अब वो कहते हैं कि जो बाह्य इंद्रियां हैं, वो कहते हैं कि दमन, एक दमन शब्द आया है, मिथ्या मूड, किस प्रकार से हम बेवकूफियां करते हैं, मूड बुद्धि हमारी कैसे बनती है। अब वो ये कहते हैं कि हम कई बहुत बार बहिर इंद्रियों का दमन करना, यानी कि हम बाहर से अपनी अपनी इंद्रियों से चीजों को दबाते रहते हैं, और वो दबाते दबाते दमन हमारे, जब दमन होने लगता है तो हमारे अंदर मूड बुद्धि आने लगती है। जैसे हम चाहते हैं कि हमें ये करना है, हम ये करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने डिजायर्स को पूरा नहीं कर पाते, तो वो हो गया बाहर का बहिर दमन, बहिर इंद्रियों का दमन होना। तो बहिर इंद्रियों के दमन से क्या होता है, जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि तुम टीवी मत देखो, बच्चे को कहते हैं कि तुम नेट मत चलाओ, बच्चे को कहते हैं कि तुम ये वाले कपड़े मत डालो, तो क्या होगा, बच्चा जो है बाहर से इंद्रियों को दबाता रहेगा, लेकिन अंदर उसके कुछ ना कुछ उथल पुथल होता रहेगा होता रहेगा, और वो एक दिन ब्लास्ट कर जाता है, और वो ये कहता है कि ये सारे काम मैं करूंगा। वो जबरदस्ती हमारे पास आके बच्चा ये बात कहता है, या हम किसी बड़े को कहते हैं कि आपको इस कमरे से ही नहीं निकलना, तो वो क्या करेगा, कुछ दिन अपनी इंद्रियों की जो उसकी इच्छाएं हैं उनको दबाता रहेगा दबाता रहेगा, लेकिन एक दिन वो मूड बुद्धि होकर वो हमारे साथ किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ये नॉर्मली हम देखते हैं घरों में। तो यहाँ पर अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि तुम जो ये बहिर इंद्रियों का निग्रह है, इसकी बजाय तुम जो तुम्हारे भीतर एक इंद्रिय है जिसका नाम है मन, इस मन को नियंत्रण करने का नाम है शमन। सोच समझकर, इस ब्रह्मांड के सत्यों को समझकर, अपने आत्मा में स्थित होकर, स्थित प्रज्ञ की बात पिछले चैप्टर में बताई गई, तब तुम इन मन को यानी कि अंतर इंद्रिय को समझ सकते हो। दमन और शमन, ये दोनों बातें यहाँ पर इस श्लोक में बताई गई हैं कि हमें अपनी डिजायर्स को दबाना नहीं है, अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, हम बिना दबाए हुए शमन के रास्ते पर चले, मन अच्छे तरीके से समझने लगे, उसको विस्तार से बताने लगे भीतर ही भीतर कि मैं किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को समझता हुआ, जैसे कछुए का उदाहरण दिया कि जब तुम्हें इसका प्रयोग करना है, इंद्रियों का प्रयोग करिए, अपने आप ही कछुआ अंगों को समेटने लगता है, उसी प्रकार से आप भी अपने मन को और इंद्रियों को समेट कर शमन सीखिए, ना कि दमन। तो यहाँ पर उन्होंने इस श्लोक में मूढ़ बुद्धि की बात की है कि मूढ़ बुद्धि कब होती है, हम मिथ्याचारी कब होते हैं, दम्भचारी कब होते हैं, जब होते हैं जब हम अंतर्मुखी ना होकर, अपनी मन को वश में ना करके या मन में समझा के ना करके, हम दूसरों के आगे दिखावा करते रहते हैं कि देखो मेरी तो इंद्रियां बड़ी शांत है, मैं तो बिल्कुल कुछ करता ही नहीं हूँ। तो वो जब हम इस तरह की बातें बाहर से इंद्रियों को दबाते रहते हैं और अंदर ये सारी बातें जब इकट्ठी होती रहती हैं, तब हम मूढ़ बुद्धि एक दिन हमारी
प्रकट हो जाती है। तो कहते हैं कि जीवन को सहज रूप से बिताना चाहिए, जैसे कि पिछले अध्याय में बताया गया कि तुम जब तक आत्म ज्ञानी नहीं बनोगे, आत्मा में स्थित नहीं होगे, तुम स्थित प्रज्ञा नहीं बनोगे, तब तक तुम इन इंद्रियों को और मन की जो अंतर्मुखी ये मन है और जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं, इनको तुम समझ नहीं पाओगे। तो अगर सहजता से तुम इन बातों को समझना चाहते हो तो तुम अपने उसी आत्म स्वरूप में आ जाओ। अब आत्म स्वरूप में जब वो आने लगेगा, तब फिर से और अगला जो श्लोक है वो कहने लगता है कि फिर मन अपने आप समझने लगता है कि तू इसी चेतना का स्वरूप है। इसी चेतना से जब हम एक किसी विशेष रूप से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो वो मन के भीतर पनपने लगता है, लेकिन जब ये बात समझ आने लगती है कि इसका अनुभव मैंने कर लिया, तो मन के बाद फिर से चेतना में मर्ज होने लगता है। तो मन और चेतन एक ही चीज है। अगर हम उसको विशेष रूप से कोई चीज अपनी इच्छाओं को सीखना चाहते हैं तो उसको दमन नहीं करना है, सोच समझ कर उसकी इच्छाओं को देख कर उसके बाद उसको शमन करना है। यानी कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम सिर्फ श्लोक श्लोक चलते हैं। और अगर हम अब हमने मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया कि दमन और शमन की बात यहाँ पर आ गई, मूढ़ बुद्धि की बात आ गई, और कर्म अब कर्म योगी की बात वो बता रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्म करते जाना है। तो अब वो कैसे बताएंगे कि मान लो हमारे पास एक घर है, हम बहुत अच्छे तरीके से खा रहे हैं पी रहे हैं, अब हमें ये बात समझ आ गई है, लेकिन अंदर से अब उथल पुथल अगर ये रहे कि मैं इस घर में इस घर की बजाय एक बड़ा घर बना लूं, इस घर की बजाय मैं एक बहुत बड़ा फार्म हाउस बना लूं, काश ऐसा होता, बहिर इंद्रियां कुछ कुछ सोचती रहती हैं और फिर हम उनको दबाते रहते हैं कि नहीं नहीं कहाँ से लाएंगे पैसे, ये बहुत सारी चीजें हम अलग अलग तरीके से सोचते रहते हैं। अब अगर मन ये बात समझ ले अनुभवों के माध्यम से कि सारी दुनिया को देखने लगे कि देखो सब अब अपने अपने घर में रह रहे हैं और इस धरती पर हम यात्रा करने वाले हैं, एक ट्रेवलर हैं, तो हम आते हैं और जाते हैं, अनेक बार हम जन्म लेते हैं, अनेक बार हमारी मृत्यु होती है, हम इस धरती पर आते हैं, घर बसाते हैं, अलग अलग परिवारों में आते हैं, अलग अलग देशों में आते हैं, अलग अलग नौकरी के तरीकों से आते हैं, कभी पुरुष बन जाते हैं, कभी स्त्री बन जाते हैं। जब हम ये बातें पूरे पूर्ण रूप से समझने लगते हैं तब ये बात समझ आती है कि अच्छा सूक्ष्म शरीर क्या जोड़ता है, और सूक्ष्म शरीर ही है, शरीर तो स्थूल शरीर तो सिर्फ एक कवर की भांति यहाँ पर आता है और अपने अनुभवों के साथ चला जाता है। तो यहाँ पर इन श्लोकों में समझाने की कोशिश की गई कि तुम ये जो बहिर्दमन हम बहुत बार ड्रामे में जीते हैं, माया इसी का नाम है। माया किसे कहते हैं? जब हम द्वंद में रहते हैं। और माया कब खत्म होती है? जब द्वंद खत्म हो जाता है। दोनों चीजों में से दो सूट हैं, हमें पसंद करना है कौन सा पहनना है, जब ये चूज ही हो गया कि मुझे ये वाला डालना है तो माया खत्म हो जाती है। हमें क्लियर हो जाता है कि हमें ये काम करना है। द्वंद में जब तक हम रहते हैं, बहिर इंद्रियों की हम जो हमारे डिजायर्स हैं उसमें हम उनको दबाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि दबाना नहीं है, उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है एक एक चीज को। तो हम लाइफ में हम ये कहते हैं ये तो माया का खेल, हम बचपन में सुनते थे ऐसे कि ये तो माया है, माया जाल है। माया जाल तो है ही नहीं है, हम वैसे ही बातें करते रहते हैं माया जाल है। घर में रहते हुए ही हम समाधि में जा सकते हैं, घर में रहते हुए ही हम ध्यान में आ सकते हैं, घर में रहते हुए ही हम
स्पष्टता से जीवन जी सकते हैं तो फिर माया जाल की बात कहाँ से आ गई। बचपन में इतना डर बिठा दिया कि आप दूसरे घर जाओगे, माया जाल में फंस जाओगे, ये बात करते करते वो माया जाल समझ नहीं आया। लेकिन अब समझ आता है कि चार पुस्तक रखी हैं स्वाध्याय के लिए, पुस्तक पढ़ लो, एक चूज कर लो, पहले माया खत्म हो गई, द्वंद्व खत्म हो गया। और द्वंद्व तो पल पल में बदलता है, माया जाल तो पल पल आती है और पल पल ही हमें क्लैरिटी से अपने आत्मज्ञान में, आत्मस्थिति में बैठ के क्लैरिटी करना पड़ता है कि अब क्या शब्द बोलना है, अब कैसा बिहेव करना है अपने परिवार के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ये माया से परे, पल भर में माया परे हो जाती है। तो माया की डेफिनेशन द्वंद्व आया। अब द्वंद्व इतना ही है कि लाइट बंद करूं या नहीं करूं, द्वंद्व तो आएगा क्योंकि मन का स्वरूप है वो। लेकिन एकदम से क्लियर हुआ नहीं, लाइट बंद नहीं करनी, सिंपल क्लियर हो गया, माया खत्म हो गई। सेम छोटी छोटी चीजों का एक्सपेरिमेंट करके हम उस माया जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई कि हम अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती डिजायर, मतलब वो हम ड्रामा ना करें। और वही बात हम बहुत बार चर्चा भी करते हैं कि हम नीचे के चक्रास में जब रहते हैं तो माया जाल में ज्यादातर फंसे रहते हैं, मूलाधार स्वाधिष्ठाना अहंकार आ जाता है। तो यहाँ पर अहंकार का शब्द भी आया है कि अहंकार को कैसे सीखोगे। तो अहंकार जब आप सीखने लगते हो, जब इंद्रियों को दबाने लगते हो, मूढ़ बुद्धि जब आपकी आने लगती है और शमन के बजाय दमन के रास्ते पे करते हो, तब आप अहंकार में आते हुए अपने स्वरूप को दिखाने लगते हो। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली है गीता। और गीता का गीता कहती दिमाग में ये आना चाहिए, गीता मतलब एक लकीर, एक लाइन खींच देना, एक रेखा खींच देना, आप उस रेखा के ऊपर हर पल खड़े हैं। गीता सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हम भगवत गीता को तुरंत समझ जाएंगे। हाँ, पर इतनी समझ जरूर आ जाती है जब मुंह में से गीता निकलती है तो आप उस तलवार की धार पे खड़े हैं, इधर या इधर, धर्म या अधर्म, तुरंत चुनते हैं। तो कई बार होता है कि सिचुएशन एक जैसी होती है, फैसले अलग हो जाते हैं। ये बात भी आगे आने वाले अध्याय में आएगी। तो अर्जुन कहते हैं कि अभी तो तुम ये बात कर रहे थे, अभी इस अध्याय में तुम ये बात कर रहे हो। तो कहते हैं कि तुम सिचुएशन तो देखो ना, सिचुएशन में कौन सी सिचुएशन है, उसमें उस क्षण में तुम क्या फैसला लेते हो, ये गीता है। तो ये बात भी हमें समझनी है कि कई बार हम शांत भाव से नहीं चल सकते हैं, कई बार हमें अपना स्वरूप में कुछ ऐसा वाणी लानी पड़ती है जिससे हम हार्ड कोर होकर दूसरों को बता सके कि नहीं, ये ऐसा ही होगा। और हम उसको क्योंकि हम शब्दों को सही ढंग से नहीं सीखते हैं, इसलिए दूसरा व्यक्ति कहता है तू तो ध्यान करता है, गुस्सा करता है। वो गुस्सा नहीं है, वो क्रोध नहीं है, वो स्पष्टता है। माया से परे एक हम किसी वाणी को स्पष्टता से बोलते हैं, वो क्रोध में नहीं आएगा, क्रोध कुछ और चीज है। तो ये गीता हमें, जब मैं इसको बहुत कई साल पहले पढ़ रही थी, लगभग 7-8 साल पहले, तब ये बातें समझ आने शुरू हुई। ओ माय गॉड, कहाँ पे उलझे हुए थे, ये माया से परे, ये तो पल पल में माया हमें उलझा लेती है और फिर माया से हमें बाहर निकलना पड़ता है। तो ठीक है, ओके, हम लर्नर्स हैं, छोटे 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 बच्चे हैं, सीख रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे। बाय, मैं जा रही हूँ, नेचर में मेरे डॉग किसी तरीके से रोक रखे हैं, ओके।